जान तुम मजाक कर रहे हो क्या? मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी ब्रेस्ट और बड़ी हो जाए। क्या? मैं तुम्हें सर्जरी के लिए सर्टिफिकेट देता हूँ। तुम मुझसे नहीं पूछोगी कि मैं क्या चाहती हूँ? ये मेरी बॉडी है बेबी। क्या? ये मेरे करियर की बात है बेबी, ये बहुत जरूरी है। कॉर्पोरेट पार्टी आ रही है और मैं चाहता हूँ कि तुम सबसे अच्छी दिखो। ये देखो, मैंने पार्टी के लिए नई जैकेट भी खरीदी है और मैं तुम्हें बहुत अच्छे से तैयार करूंगा। मैं कुछ नहीं करूंगी, ये सही नहीं है। तुम्हें घर में छिपा कर रखना सही बात नहीं है और मुझे बहुत बहाने बनाने पड़ते हैं कि मैं अपनी बीवी को साथ क्यों नहीं लाया। इस फोटो की तरफ देखो, ये मेरे कोवर्कर्स की फोटो है। मेरे बॉस क्या कहेंगे जब वो तुम्हें ऐसे देखेंगे? तो बस ये दिक्कत बस है? एक शिकायत नहीं, यहाँ दो छोटी छोटी दिक्कतें हैं क्रिस्टीन। तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? मैं बस चाहता हूँ कि तुम अच्छी दिखो। एक बात बताऊं गैरी, मैं तुम्हारी पार्टी में जाऊंगी और सारे मुझे पसंद करेंगे। ओह, मैं इतनी अच्छी लगूंगी कि तुम ये देखकर हैरान हो जाओगे। हाय जान, मैं बस तैयार हो ही गई। बेबी, पार्टी कैंसल हो गई है। क्या? मैं इतनी देर से तैयार हो रही थी। मुझे माफ करना डार्लिंग, वो हमारी डील यहीं पर होने वाली है। सारा ऑफिस भी यहीं पर रुका है। हाँ, मैं समझ गई। खैर, अगली बार सही। बिल्कुल डार्लिंग, मैं लेट हो जाऊंगा। ठीक है, बाय। क्या तुम्हें नई जैकेट की क्या जरूरत पड़ गई? मेगन, सुजन, तुम चारों शानदार लग रही हो। गैरी, फ्लर्ट मत करो, नहीं तो मैं तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। तुम बदल नहीं सकते। वैसे वो है किधर? वो लेट हो गई। ओह, औरत जो ठहरी। पहचानो कौन? ये है मेरी सुंदर वाइफ क्रिस्टीन। तुम्हें मिलके अच्छा लगा। मुझे भी अच्छा लगा। गैरी, तुम इतनी देर से इतनी सुंदर औरत को हमसे छुपा कर क्यों रख रहे थे? हाँ। मिलकर खुशी हुई। मैं हूँ स्टीवन। कैथी। ये मेगन है, ये सुजैन है, और ये है पैट्रिक। पैट्रिक। मिलकर खुशी हुई। जेरी ने मुझे आप सबके बारे में बहुत कुछ बताया है। किसने? ओ, गैरी। माफ करना गैरी। ओ, ये क्या है? शैंपेन। मुझे बबल्स पसंद है। हाँ, मैं कुछ ज्यादा ही बोल रही हूँ, मैं आती हूँ जरा। मैं जरा अभी आता हूँ, प्लीज। जरूर। तुम कर क्या रही हो? शांत, ये पार्टी है और मैं मजे कर रही हूँ। मैं तुम्हें मजे करने के पैसे नहीं दे रहा, मेरी वाइफ बनने के दे रहा हूँ ताकि मेरे कोवर्कर्स तुम्हें पसंद करें। घबराओ मत, मैं प्रोफेशनल हूँ, इन्हें मैं अच्छी लगी। ओह, खासकर पैट्रिक को। प्लीज जरा अच्छे से बिहेव करो, ठीक है? ठीक है। ये एग्रीमेंट और ये कॉन्ट्रैक्ट। ओह माय गॉड, म्यूजिक कैसा लगा? बहुत अच्छा। तुम्हें अच्छा लगा? काफी अच्छा है। ये कौन है? ये बहुत बुरा आइडिया था। तुम्हें हाँ करी, वो एक बुरा आइडिया था। तुमने ये क्या पहना है? तुम अपनी शेप के हिसाब से ऐसी ड्रेस नहीं पहन सकती। इससे पहले तुम्हें कोई देखे, घर जाओ। गैरी, 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 ये इतनी सुंदर औरत कौन है? चलो जल्दी से हमारी इंट्रोडक्शन करवाओ। ये है क्रिस्टीन। हाँ, मिलकर अच्छा लगा। हमें भी अच्छा लगा। और तुम इसकी? ओ खैर, मैं
मैं इनकी फ्रीलांस असिस्टेंट हूँ और इनका काम करती हूँ। एक फ्रीलांस असिस्टेंट और इसका नाम भी क्रिस्टीन है। बहुत बढ़िया। सही कहा। अब इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। अपनी वाइफ की तरफ देखो। तुम्हारी वाइफ? मैं जरा अभी आया। हाँ जाओ, ये अच्छी डांसर है। कोई बात नहीं, चीयर। हाँ चीयर्स। तब से गैरी हमेशा अपने साथ दो शर्ट्स रखता है। सच में? हाँ। वो नहीं, वो आ गया। ओ गैरी, अब तुम्हारी पत्नी कैसी है? ठीक है, मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उसे मजे करने का पूरा हक है। तुम्हें पता है गैरी, तुम्हारी असिस्टेंट बहुत सुंदर है। बस भी करो स्टीव। क्यों? मैं तो बस सच बोल रहा हूँ। वैसे इसने मुझे तुम्हारे बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनाई हैं। दो शॉट्स गैरी। ये बहुत बढ़िया था। हाँ। सच में। अब इसके जाने का वक्त हो गया। क्या? वो कैब नीचे इंतजार कर रही है। ठीक है, अपना ध्यान रखना। क्रिस्टीन घर जाओ। मिस्टर स्नो, तुम्हारी असिस्टेंट आज छुट्टी पर है और वो ही फैसला करेगी कि उसे आज कहाँ रहना है। मेरे पास इतना बेफजूल वक्त नहीं है क्रिस्टीन, घर जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। ये ऑर्डर्स अपनी वाइफ पर चलाना, ये तुम्हारी गलती है क्रिस्टीन। ऐसा बिल्कुल भी ना होता अगर तुमने मेरी बात मानी होती। तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम चाहते थे तुम्हारे कलीग्स मुझे पसंद करें। बस करो क्रिस्टीन, उन्हें लगता है कि तुम मेरी असिस्टेंट हो, इसीलिए वो बस तुम्हें खुश करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं। तुम पछताओगी इसके बाद। तुम दोनों सुनो, तुम्हें जो भी करना है घर जाकर करो, मेरे ऑफिस में नहीं। और तुम अपनी वाइफ को संभालो, वो पता नहीं क्या कर रही है। मुझे अंदर जाने दो, चलो। यहाँ पर क्या हो रहा है? तो फिर तुम्हें अपनी वाइफ को छुपा के रखना चाहिए था गैरी। चुप करो, पैट्रिक से ही छुपा लेते। गैरी, तुम कुछ भी गलत मत सोचना। तुम तो बहुत बड़े पागल हो। बहुत हुआ, सारे यहाँ से बाहर चलो, चलो। ओह नहीं, बेबी जरा रुको। ये मेरी गलती है, मैं बहुत ही बुरी। कैथी, बिल्कुल चुप रहो। पर मेरी जान। बस करो, ये मेरी वाइफ नहीं है, ये एक एक्ट्रेस है जिसे मैंने पार्टी के लिए बुलाया था। ये है मेरी असली वाइफ क्रिस्टीन। मैं समझ नहीं पा रहा हूं, तुम एक एक्ट्रेस को क्यों लेकर आए अगर तुम्हारे पास इतनी सुंदर वाइफ है। सर, आपने मेरी वाइफ की ब्रेस्ट देखी है? मैं इसे ऐसे सबके सामने कैसे ले आऊं? क्या? पहले तो दो कदम छोड़ो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा तुम अपनी पत्नी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जो ये बात कर रहे हो वो एक औरत के लिए बिल्कुल भी जरूरी बात नहीं है। खैर, इसके लिए ये बहुत जरूरी है। इतनी जरूरी कि मैं पिछले 5 सालों से घर से नहीं निकली। हाँ, और ये चाहता है कि मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाऊं। पर बस अब ये सब बहुत हो गया। ये बातें हम घर जाकर करते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे डिवोर्स चाहिए, अब बहुत हो गया। तुम्हें मैं बता दूं कि तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। ओए दोस्त, क्या बोल रहे हो? तुम इसके बिना कुछ भी नहीं हो, क्योंकि क्रिस्टीन बहुत अच्छी है और तुम उसके सामने कुछ नहीं। चलो, हम इसके बारे में कल बात करेंगे मेरे ऑफिस में। कल बात करेंगे मेरे ऑफिस में। मेरा लॉयर सारे पेपर्स तैयार रखेगा। मेरी बात सुनो, मेरा लॉयर तुम्हारी भी मदद कर देगा डिवोर्स के पेपर्स के लिए। ओह, थैंक यू स्टीव। वैसे तुम्हें पता है मुझे एक असिस्टेंट की जरूरत है, तुम क्या कहती हो, ये जॉब करना चाहती हो? खैर, मैं ना कैसे बोल सकती। बहुत बढ़िया।